जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का वीडियो बड़ा ही अच्छी जानकारी को लेकर के मैं आया हूं, और ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी के यहाँ यदि कोई प्राणी चला जाता है शरीर को छोड़ करके, तो शव को अंदर कमरे में रख करके बाहर सब लोग बैठ जाते हैं। कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उस शव के पास बैठे रहें, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पांच व्यक्ति। क्योंकि होता क्या है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ ऐसी अशुभ ऊर्जा उस समय आसपास घूमती हैं, ऐसी नेगेटिविटी जो है आती है, ऐसी कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते, तो वो उस समय उसमें प्रवेश कर जाती हैं यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो। ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभा मंडल में ऐसी अदृश्य शक्तियां भ्रमण करती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, जिनको हम लोग देख नहीं पाते, और वो उस शव की दुर्गति करती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। और दूसरा, कभी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार जो है नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि अगर किसी की मृत्यु सायंकाल में हुई है, 4 बजे 5 बजे, तो मन में ये विचार करते हैं कि रात्रि में घर में कौन रखे, तो रात को ही जा करके, सूर्यास्त के बाद ही जा करके वो संस्कार कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है। हमारा सनातन धर्म जो है इसके विरुद्ध बोलता है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता, सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार हमारे धर्म में अशुद्ध माना गया, अशुभ माना गया। इससे क्या होता है कि जाने वाले प्राणी को बहुत कष्ट होता है, उस आत्मा को बड़ा परेशानियों से होकर के निकलना पड़ता है। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में बड़े विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी को ये बताई हैं। ऐसा सुंदर ज्ञान भगवान नारायण ने साक्षात गरुड़ जी को दिया है। दूसरा, जहाँ ये बातें आती हैं वहाँ एक बात बहुत ही अच्छी आती है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि यदि आप किसी विशेष काम से जा रहे हों, ध्यान देना, आप किसी विशेष शुभ कार्य से कहीं पर जा रहे हों, घर से बाहर निकले हों, मार्ग में कहीं पर यदि आपको कोई अर्थी दिख जाती है, तो अमूमन लोग क्या करते हो, शुभ काम में जा रहे थे और ये मार्ग में क्या शव दिख गया, अर्थी दिख गई है, अब क्या होगा, वो चिंता करने लगते हैं। वो मन में ढेरों प्रश्न उनके दिमाग में आ जाते हैं, काम होगा या नहीं होगा, हैं, टेंशन ले आते हैं दिमाग में अपनी। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर किसी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं या किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो काम मेरा आज बन जाना चाहिए, इस भावना को लेकर यदि आप घर से निकले हैं और जाते समय मार्ग में कहीं पर भी यदि कोई अर्थी नज़र आ जाती है, तो आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है, उस अर्थी को देख करके 3 बार बोलना है शिव शिव शिव, या 3 बार बोलना है विष्णु विष्णु विष्णु। शिव और विष्णु जी का नाम आपने 3 बार लेना है। ये एक ऐसा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा और कई संत महात्माओं के द्वारा उनकी सेवा करने पर उन्होंने मुझको बताया कि महाराज जी, अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाता है, किसी शुभ कार्य में जा रहे हों, मार्ग में कहीं अर्थी नजर आ जाती है, तो 3 बार कहना चाहिए शिव शिव शिव, तो अवश्य उसका कार्य बनता है। और ये अनुभूत भी है, जीवन तो क्षणभंगुर है,
और इस क्षणभंगुर जीवन में हर पल हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, हर पल उसका शुक्र मनाना चाहिए कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, तेरी कृपा से ही मैं सब कुछ पा रहा हूँ, मेरा घर मेरा परिवार सब तेरे ही कृपा से चलता है। हर समय परमात्मा का शुक्र मनाना चाहिए, जैसे भी हालात हों लेकिन उस विधाता का शुक्र मनाएं, ठाकुर जी का शुक्र मनाएं। तो आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। यदि आप परमात्मा का शुक्र मनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं, आएगी तो उसकी समस्या का हल ठाकुर जी अपने आप दे देंगे। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो कि शब से जुड़ी हुई हैं। शब को कभी भूल करके भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अदृश्य शक्तियाँ, अपवित्र ऊर्जा वहाँ पर वास करने लगती है जब कोई शरीर को छोड़ करके प्राणी जाता है, और नेगेटिविटी जो है वो बहुत ही अधिक हो जाती है। ऐसी अतृप्त अदृश्य प्रेतात्माएं भी भ्रमण करती रहती हैं इस लोक में, मृत्यु लोक में, और शव को अकेला देख करके वो उसको तंग करती हैं। प्यारे मित्रों, ये कुछ सूत्र जो संतों के द्वारा मेरे को मिले और कुछ सूत्र ग्रंथों के द्वारा भी मेरे को मिले, ये मैंने आपके आगे तीन सूत्र आज के रखे, और आप इन सूत्रों को जाने समझे, ज्ञान को प्राप्त हों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि उद्धव, मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है। जीव को ज्ञानी होना चाहिए, जीव को भक्ति में होना चाहिए, और जीव को परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मेरे, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, भाइयों में, बंधुओं में, ताकि ज्ञान के द्वारा वो इस ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करके ज्ञानी बने। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, आप सभी के लिए हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।